नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज बिहार की बड़ी खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। जेडीयू नेता महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि उन्हें नीतीश सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस बारे में पुष्टि नहीं की गई है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार जल्द होने की संभावना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर बिहार विधानसभा में बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने के पाठक को पद से हटाने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस पर मुख्यमंत्री भड़क गए। वे अपनी सीट से उठे और के पाठक को ईमानदार अधिकारी बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने के पाठक का बचाव किया और उन्हें ईमानदार अफसर बताया। नीतीश ने कहा कि स्कूल में कक्षाएं सुबह 10 बजे से ही शुरू होंगी, लेकिन शिक्षकों को 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंचना ही होगा। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम बुधवार को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी आरएस भट्टी और अन्य एजेंसियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग ने इससे पहले पटना के एक होटल में बुधवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस के नोडल अधिकारी और केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारी के साथ बैठक की है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। बुधवार को चंपारण में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनकी जनविश्वास यात्रा पर भाजपा के नेता पहले से ही हमलावर है। तेजस्वी यादव ने उन्हें तिलमिला देने वाला जवाब दिया है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी का रुख अभी भी नर्म है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबकी व्यक्तिगत तौर पर इज्जत करते हैं। बिहार शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच तकरार बढ़ गई है। विश्वविद्यालय अधिकारियों के शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने से रोक के 3 दिन बाद ही विभाग ने कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक 28 फरवरी को बुलाई है। बैठक विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में विभागीय सभागार में होगी। विभाग ने विश्वविद्यालयों को भेजे पत्र में कहा है कि बैठक में विलंबित परीक्षाओं के साथ साथ अन्य सत्रों की समय पर परीक्षा आयोजित करने की समीक्षा होगी। इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों को पत्र भेजा है। अब आइए मौसम के हाल पर एक नजर डालते हैं। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में आंधी, वर्षपात और मेघ गर्जन के साथ बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान कुछ जगहों पर ओले भी गिरने के आसार हैं। दरभंगा समेत आसपास के जिलों में बुधवार की सुबह आंधी के साथ बारिश हो रही है। पटना मौसम केंद्र ने बुधवार सुबह पश्चिम चंपारण, वैशाली और समस्तीपुर जिले के लिए भी तत्कालीन येलो अलर्ट जारी किया है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर हम हाजिर होंगे बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।